एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एज यूजुअल। सो आज का व्लॉग रिलीजियस होने वाला है। फर्स्ट टाइम आई गेस मैं पहली बार ऐसी कहीं का व्लॉग बना रही हूँ। तो एक्चुअल में मैं रुड़की जा रही हूँ अभी। बहुत टाइम से मैंने सोचा था मेरे को जाना है वहाँ पे। कहाँ पे है, कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बाद में क्या आपको पता ही चल जाएगा, वैसे तो टाइटल से मैं अभी बता देती हूँ। खैर मैं कलियर जा रही हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से नहीं गए थे और काफ़ी मन था वहाँ जाने का। सो मैं आज वहाँ जा रही हूँ। सो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग में आपको भी दिखाऊँ कि वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है। सो या वीडियो में एंड तक बने रहे। और ये मैं पूरी फुल रेडी हो रखी हूँ अभी। सूट, जुत्ती, शॉल, कोट सब पहना हुआ है और मिरर बहुत गंदा हो रहा है अभी। सो या लेट्स गो गाइस। खुद तो व्लॉग बनाते नहीं, दूसरों को मोटिवेट नहीं करते। हाय योगिता, दादी बन क्यों फिर रही है? दादी क्यों बन रखी आप? व्हाट इज दिस? अभी मैं बस निकलने लगी थी बट मैंने सोचा छोटी सी बिंदी लगा लूं। और कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताओ। मौसम भी काफी भयंकर ही हो रहा है यार, आज ठंडा ठंडा सा। जाना तो पड़ेगा। क्या हुआ ब्लूटूथ? पेडिग्री खानी आपको? पेडिग्री? हेलो हेलो, बैठ जाओ। देखना जरा स्टाइल, देखो जरा प्लूटो का स्टाइल, स्टाइल देखो प्लूटो का। बाय प्लूटो। ओ ये है अमित भैया, इस वीडियो में हमें मिल गए हैं। हम अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। रुड़की जाना है, रुड़की की बस ही लगी है बट योगिता अभी अंदर स्कूटी खड़ी करने गई है। भैया कितना इग्नोर कर रहे हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम रुड़की जा रहे हैं बाबा जी के पास। बाबा जी के पास। सो स्टे ट्यून गाइस। एक बस थी जो कि जा चुकी है ऑलरेडी और अभी हम भाग रहे हैं दूसरी बस के लिए। अभी बस में बैठ चुके हैं और बस चलने लगी है। बहुत टाइम बस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, बहुत टाइम बाद। ये कम बोलती है। और ये बैठे हैं भैया अकेले। फाइनली हम रुड़की पहुंच चुके हैं और आप हालत देख के बता ही सकते हो कि हम यहाँ पहुंच गए। और अभी यहाँ पे पीछे की साइड एक हॉस्पिटल है यार, दिखाना था जहाँ हम हुए हैं अभी। रुको, यहाँ से सीधा उधर की साइड एक रास्ता जाता है जहाँ पे योगिता और मैं हुए थे। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं इस जगह से हमारी। क्यों योगिता? और मैं भी दिखाऊँगी कि हम रहते कहाँ थे। उस साइड हमारा वो था, क्वार्टर्स में हम रहते थे। वो यही है ना दीदी? यही तो है शायद दीदी। अबे यार ये अपना व्लॉग करने लग गई। आपको तो पता भी नहीं, आप तो चुप रहो। बोरा बोरा। नहीं दीदी, हमारा पीछे छूट गया है। हाँ यहाँ पे नाना नानी का था। चेहरे की खुशी देख सकते हो आप, कितनी खुश हूँ उस शहर में आके जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग करी। इसको हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं? नहीं, इतना भी नहीं होगा। और अभी आने वाला है गाइस नीला पुल। नीला स्कूल में ट्यूशन स्कूल तो घर से जाते थे। नीला पुल सफेद हो चुका है हमारा। नीला पुल सफेद हो चुका है। वो व्लॉग में देख के चला गया मेरा भाई। फेमस हो जाएगा मत देगा। ये देखो गाइस नीला पुल। अभी हम यहाँ पे उतर चुके हैं जो हमारा शेर पुल है और हमें यहाँ से सीधा आगे को जाना है कलियर के लिए। बट अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आए हैं क्योंकि पीछे बहुत सारा पानी है। सोचा यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं।
मतलब ये जगह ऐसी है, यहाँ पे हम बचपन में आते थे वॉक करते हुए, या कभी किसी के घर जाना हुआ या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे काफी जानने वाले थे उस टाइम पे। अभी तो खैर सब मूव हो गए होंगे मोस्टली। सो या बहुत ही अच्छा यार, सी कितना मजा आ रहा है। मैं अपनी फोटोज वोटोज क्लिक करवाती हूँ यहाँ पे इनसे जरा। फिर से अब हम बैठ चुके हैं ई रिक्शा में। अब हमें जाना है कलियर, कलियर के लिए ई रिक्शा में बैठे हैं। बस के लिए बोल रहे थे बट बस हमें शायद सर घूमेगा, इसलिए हम फिर से ई रिक्शा में बैठे हैं। और यहाँ पे एक घोड़े की नाल डल रही है। नेल एक्सटेंशन हो रहा है, नेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ पे 5 दरगाह है। हमें जाना था सबसे मेन वाली पे, बट भैया कह रहे हैं 5ों ही मेन है, तो सबसे पहले हम कौन सी वाली पे आए हैं भैया अभी? इमाम साहब पे। इमाम साहब पे ये इस पे क्या मतलब? ये मामा है उनके, साबिर पार्क के मामा। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, फिर एक एक करके हम सारी जगह घूमेंगे और मैं आपको दिखाती रहूंगी व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे हमारा हो चुका है दरगाह में, फर्स्ट दरगाह थी ये। अब हम नीचे जा रहे हैं। सो अभी हम चादर ले रहे हैं। रुमाल है, रुमाल बांध। ब्लू नहीं है, ब्लू ये नहीं है, नीली दिखाना, नीली और थोड़ा सिंपल ही दिखाना भैया, ये सिंपल, ये सिंपल है, थोड़ा प्लेन से हमें चाहिए थी। तो गाइज हमने ये चादर ले ली है, अभी हम दरगाह में चढ़ाएंगे। 2 चादरें ली हैं। सो या लेट्स गो इनसाइड। फाइनली चादर चढ़ा दी है और अभी हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे सब इसलिए आते हैं कि सब हंसी खुशी रहे, सबकी मन्नतें पूरी हों और किसी के साथ भगवान अल्लाह बुरा ना करे। तो अभी हम यहीं पे आए हैं और ये पीछे दरगाह है। दरगाह में चादर ऑलरेडी चढ़ा चुकी है और ये योगिता और भैया भी आ रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरा मेरे को काफ़ी टाइम से ऐसा था कि मुझे यहाँ पे आना है, तो इसीलिए आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे टाइम निकाल के हम लोग आए हैं। बहुत सोचा था कि यहाँ आऊँगी, आना है, चादर चढ़ानी है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लेट हो गया। भैया हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी भैया थोड़ा लेट हो गया, अंदर बंद था अंदर। अब हम जाएंगे ट्रेन भी यार एट ई रिक्शा और हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड। बस स्टैंड से देहरादून की बस वापस पकड़ेंगे, देन विल गो बैक टू दी। वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा अभी खाने का, ना भैया का ना योगिता का, थोड़ा सा घर जाके सीधा खाएंगे। हम बैठ चुके हैं देहरादून की बस में एंड थक चुके हैं, मतलब यहाँ खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमें पता नहीं है अभी एग्जैक्टली कहाँ अच्छा मिलेगा। सो वी थॉट कि वापस देहरादून ही जाते हैं, वहाँ जाके हम किसी कैफे में चले जाएंगे या कुछ भी खाने पीने चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा था आज, मज़ा आया। हम वापस से देहरादून में हैं और आज सुबह से हमारा जो है फास्ट हो रखा था क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो हम फाइनली अभी गैंग चिन में आए क्योंकि इनको यहाँ का खाना पसंद है एंड या अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करने वाले हैं।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना. एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.